तो दोस्तों आज मैं मधु रीटा और ओहो हम फिर से जा रहे हैं कहीं सेलिब्रेशन में। पार्थिव पूजा है हमारे जो मुखी यजमान जी हैं उनके घर में। और देखिए मैंने और मधु ने तो ट्यूनिंग की है और बाकी हम सारे एक ट्यूनिंग सबने की क्योंकि साड़ी पहनी है, लेकिन मेरी और मधु की साड़ी का कलर और साड़ी सेम है। तो आइए ले चलते हैं आप लोगों को, मतलब कितना भी शेड्यूल बिजी हो लेकिन हम कहीं भी जाने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और मधु भी मौके पे चौका मारी देती है। तो आज हम सब पहुंचे हुए मीना ओली दीदी के घर में, जो कि हमारी सत्य विहार में भागवत हुई की थी, उसके मुख्य यजमान थे। तो अब उनका नाम ही हम यजमान जी के घर बोलने लगे हैं। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तब हवन की तैयारी चल रही थी। तो हवन अब संपन्न हो चुका और अब पूर्णा आहुति की तैयारी चल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे और यहाँ पर भजन कीर्तन हो गया, लोगों ने अच्छे से डांस किया, सदन में बहुत सारे लोगों ने। और उसके बाद जाने की तैयारी कभी मीना दीदी ने भी कहाँ जा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा और रुको और फिर उन्होंने बोला नहीं खाना वाना खा के जाइए आप लोग। तो यहाँ पर हम सब चले गए खाने के लिए। खाने का उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। हाँ, खाना भी बहुत टेस्टी सा था, चटनी था, तो ओपन एयर था, बहुत अच्छा लगा। तो हम सब ने यहाँ पर खाना खाया। देखिए हाँ हाँ अवश्य। H वो चुपचाप शादी में होता है ना कैमरामैन जैसे ही खाना खाने लोग क्यों ऐसे करते हैं। अभी देखा थोड़ा साइड अरे यार साइड जरा हाउ जरा खाली करवाली जरा हवाला आल हम लोग चलो। ये है हमारी कॉलोनी की आन बान शान ये खाने की और बर्तनों को साजने की भी शान। ओम साइड हो जाओ। रेनू कुछ चाहिए? खीर खीर भोलेनाथ का प्रसाद है इसलिए मैं सब बिल्कुल जरूर खाना चाहिए। आज पहली बार मैंने पनीर बचाया है बस। थोड़ी और एक्टिंग थोड़ी सी कम हो रही है। और यहाँ पे मीना दीदी बैठी है अपने जॉय के साथ। जॉय आज बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत उत्सुक है क्योंकि आज उसके दादा भाभी की एनिवर्सरी भी है। ठीक है, ये देखिए ये और अब हम चल दिए हैं। खाया पिया घर जाके खाते हैं दांत नहीं घर जाके खाते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ मेरे घर हम आ चुके हैं कार्तिक पूजा से। आज जो हमारे भागवत जी के जो यजमान थे उनके घर में कार्तिक पूजा थी, तो वहाँ पे फिर भजन कीर्तन हुए और आज उनके बहू बेटों यानी कि उनके बच्चों की है शादी की सालगिरह, तो उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें और ये दिन बार बार आते रहे। और अब मैं आ चुकी हूँ तो दानी का चल रहा है यहाँ पे अपना टास्क जो कि पूरा करना है कल तक। और मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून।